संसद में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के शपथ ग्रहण पर क्यों हुआ विवाद। संसद सत्र के पहले ही दिन साध्वी ने तोड़ा कौन सा अनुशासन। 17वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान भी जमकर हंगामा देखने को मिला। विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद सत्र के पहले ही कुछ ऐसा कर दिया जिससे न सिर्फ सदन का अनुशासन टूट गया बल्कि विवाद भी खूब हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद चुने गए प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब शपथ लेने पहुंची, तो उन्होंने अपने नाम के पीछे स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी जोड़कर शपथ लेना शुरू किया, जिस पर विपक्षी सांसदों ने नियम कायदों का हवाला देते हुए आपत्ति जताई। साध्वी प्रज्ञा ने चुनाव में उम्मीदवारी के वक्त हलफनामे में अपने पिता का नाम सीपी सिंह दर्ज कराया था, लेकिन उन्होंने शपथ लेते वक्त पिता के नाम की जगह अवधेशानंद गिरी का नाम बोला, जो कि उनके आध्यात्मिक गुरु का है। रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज नहीं है। अहम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य। नियमों के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त हलफनामे में जो नाम दर्ज कराया जाता है, सांसद उसी नाम से शपथ ले सकते हैं। फिर भी सांसद अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रज्ञा ने जो नाम लिया वो उनके हलफनामे में दर्ज नहीं था और यही बात हंगामे की वजह बन गयी। विपक्षी सांसदों के साथ साथ लोकसभा की महासचिव ने भी कहा कि आप संविधान या ईश्वर के नाम पर शपथ ले सकते हैं। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर प्रोटेम स्पीकर ने साफ किया कि जो नाम रिकॉर्ड में दर्ज होगा उसी से शपथ ग्रहण की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की आपत्ति के बाद प्रोटेम स्पीकर ने सदन में रिकॉर्ड चेक करने की बात कही और उनका प्रमाण पत्र निकलवाया गया। प्रज्ञा ने फिर इसी नाम के साथ शपथ लेना शुरू किया तो उन्हें फिर से रोक दिया गया। तीसरी बार में प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपनी शपथ पूरी कर सकी। इस दौरान विपक्षी सांसदों के हमले पर प्रज्ञा गुस्से में नजर आई और उन्होंने कहा कि कम से कम ईश्वर के नाम पर तो शपथ लेने दो। वैसे भी प्रज्ञा सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिस पर खूब विवाद हुआ, उनकी खूब आलोचना हुई और अब एक बार फिर से वो विवादों में घिर गई हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।